निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, खबर ये आई है वहाँ से। शौक है आपको गाने का? गाने का शौक तो नहीं है, गा लेते हैं। मतलब गा लेते हो? शौक है तभी तो गा लेते गुनगुना लेते कभी। हे भगवान, जोड़ों की दर्द से मुक्ति पाइए। मैं तो फिर चालू में जूते निकाल के इधर बैठ जाऊंगा। हाँ बराबर है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बैठूंगा नहीं। आप बड़ा चेहरा होगी नहीं? नहीं, हम तो आम आदमी। भाई गर्मी बहुत हो गई अभी। तब लोगों को बताया कि ये काम करने के लेवल पे पहुंचने से पहले क्या कुछ झेलना पड़ा, इसमें ये इंसिडेंट को भी हम शामिल कर लेंगे। अभी बहुत सारे कैम छो मजा रिवरफ्रंट ईस्ट में इंटरव्यू करवो मळशे ना? करी सके? इंटरव्यू चाले छे, वांधो नथी ने? हां, क्या क्या ऐसा देखा होगा आपके अंदर अरविंद जी ने? कुछ महसूस होता है कि मेरे अंदर ये खासियत है? नहीं, मेरे अंदर तो कोई खासियत नहीं है। देखो, मैं एक साधारण आदमी, एक्स्ट्रा हम्बल हो रहा हूँ। एक्स्ट्रा हम्बल होने की बात नहीं है, लेकिन नहीं है तो मैं क्या कहूँगा। मैं खुद की तारीफ, क्योंकि मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि मैं इस टाइप से खुद की तारीफ करने लगूँ, तो अभी जो है वही मैं बोलूँगा। और लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रक पिछले 15 मिनट से हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म होने की वेट कर रहा है। इंतजार कर रहे हैं कि कब आम आदमी पार्टी की सरकार इसी इंतजार में खड़े हैं। इसी इंतजार में खड़े हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, कि चाहे उनको 15 मिनट रुकना पड़े लेकिन सरकार अच्छी बननी चाहिए, वो इसी इंतजार में। थैंक यू। सीजन 2 की शुरुआत में पहले एपिसोड हम आपसे करते हैं। थैंक यू सो मच। आप जबरदस्त ओपनिंग देने वाले हो। करें शुरू। अनकहीं कहानी है एक सूरज के उजियारे की, जो गर्दिश में भी रोशन हो, उस एक अचल सितारे की, जो हर एक दिल में पलते थे, वो दबे दबे अरमा कहीं, उनकी मुरझाई सूरत को इन हाथों में दी जान। लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई, अनकहीं अनकहीं अनकहीं, गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। मगर फिर भी ना हुई, अनकहीं अनकहीं अनकहीं, गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। अनकहीं अनफिल्टर्ड। दोस्तों, अनकहीं अनफिल्टर्ड सीज़न 2 की शुरुआत कर रहे हैं हम गुजरात से। गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है और गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट गोपाल भाई हमारे साथ हैं। गोपाल भाई, सीज़न 2 की शुरुआत में पहले एपिसोड हम आपसे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। है ना, आप ज़बरदस्त ओपनिंग देने वाले हो। क्यों पुलिस की नौकरी छोड़ी? नौकरी छोड़ने का रीज़न ये था कि मुझे हर वक्त ये लग रहा था कि कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ बड़ा काम करने की क्षमता है मेरे में। अच्छा। और पुलिस भी अपने आप में ठीक ही है, सब बढ़िया है, लेकिन प्लेटफॉर्म बड़ा रहेगा तो आपकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, आपकी क्षमता जो है उससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये सोचते सोचते कुछ साल लग गए नौकरी में और अंत पे कंक्लूजन आ गया कि अब आगे बढ़ना है, कुछ और करना है, तो छोड़ दिए नौकरी को। फैमिली ने सपोर्ट किया था? देखो, फैमिली तो किसी की भी हो पूरे देश में सरकारी नौकरी को सबसे प्रायोरिटी में सपोर्ट करते हैं। फैमिली तो किसी की भी यही कहती है ना, भाई सरकारी नौकरी करो, आराम से ज़िंदगी जियो, बेकार की चीज़ों में मत घुसो। तो फैमिली का तो यही मानना था और मेरा मानना था कि मैं कुछ अलग काम करूंगा, लोगों के लिए कुछ काम करूंगा। उस टाइम शादी हो गई थी आपकी? नहीं हुई शादी, तो अभी 2 साल पहले ही हुई मेरी। अच्छा। हाँ। आप 89 में हो ना? 89 में। तो 33 साल के हो? सिर्फ 35 साल हो गए। राजनीति में आने का मुख्य कैसे बना? राजनीति में देखो, मैं सीधा सीधा नहीं आया, डायरेक्टली नहीं आया। हाँ। मैं कुछ सोशल एक्टिविटी के माध्यम से आया। अच्छा, क्या करते थे? जब मैं नौकरी नहीं करता था तब मुझे ये लगता था कि अगर हमारे पास कुछ बोलने की, आवाज़ उठाने की या फिर लड़ने की क्षमता है तो हमें उसका उपयोग जो है वो लोगों के लिए करना चाहिए। और ये सोचते सोचते मैं कुछ काम तो कर ही रहा था, फिर नौकरी में लग गया। फिर नौकरी में लगने से मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला, काफ़ी सारे दोस्त मिले। यही अहमदाबाद में मुझे नौकरी मिली, तो एक छोटे से गांव के उठ करके मैं आ गया इस बड़े मेट्रो सिटी में, जहां पे हर वो सुविधा है जो कभी टीवी में देखा करते थे। तो इससे सोचने का दायरा बढ़ गया। जैसे ही दायरा बढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ और बड़ा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो नौकरी छोड़ के लग गया, अवेयरनेस के काम में लग गया मैं, कि लोगों को कानून सिखाता था मैं, क्योंकि पुलिस में रहते हुए कानून सारा मुझे प्रैक्टिकली पता चल गया था। तो मैंने एक कायदा कथा नाम का इनिशिएटिव लिया और उसमें मैं लोगों को कानून सिखाता था, बताता था कि अगर पुलिस स्टेशन में जा रहे, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो आप क्या करोगे, आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है, आप क्या करोगे, अगर आपको बार बार दफ्तरों पे धक्के खाने पड़ रहे तो फिर आप क्या करोगे। ऐसी हर वो जो सरकारी दफ्तरों पे लोगों को जो जो मुश्किल पड़ती है, चाहे रेवेन्यू का दफ्तर हो, पुलिस का हो, बैंक का हो, पोस्ट का हो, जो भी हो, हर दफ्तर के क्या कानून है, क्या नीति नियम है, पब्लिक का क्या राइट बनता है, तो हर उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये फेस टू फेस अवेयरनेस करते थे आप या नहीं? कोई वो तो गैदरिंग होता था। अच्छा, गैदरिंग होता था, मतलब हज़ारों लोग बैठे हैं और माइक पर से मैं बता रहा था सब लोगों को राशन कार्ड में ये होना चाहिए। तो लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि आम लोगों को कानून की जानकारी मिल रही थी। अक्सर लोग दफ्तरों में जाया करते हैं, काम निकलवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहते, अफसरों से हाथ जोड़ते रहते, लेकिन उसको एक्चुअल में पता नहीं है कि कागज़ पे क्या हो रहा है। हमने वो बताना चालू कर दिया कि भाई अगर आप एक राशन कार्ड बनवाने जा रहे हो तो वास्तव में कागज़ पे ये होता है, आपका ये अधिकार बनता है, उनकी ये फ़र्ज बनती है। तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और इसी काम से धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि अंत में तो सारा चीज़ राजनीति ही है। अगर कुछ सही करना है, ठीक करना है, तो डिसीजन मेकिंग का सारा प्रोसेस जो है वो तो ऊपर से है। तो फिर धीरे धीरे से वो व्यू भी दिमाग में बनने लगा और एक दिन आकर के आम आदमी पार्टी से मनोज भाई, किशोर काका सारे मुझे मिलने आए और इनिशियली बात किया। मुझे बोले आप जैसे युवाओं को पार्टी में जुड़ना चाहिए। मैं बोला ठीक है, आप बोलते हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 1-2 बार और मिले, फिर मैं जुड़ गया पार्टी में और हो गई राजनीति की शुरुआत। तो आप जब लोगों से मिलते थे, ये पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद ये आपने अभियान शुरू किया था? हाँ, कायदा कथा। हाँ। और ये सब अहमदाबाद में होता था? बाहर नहीं, मोस्टली सूरत और सौराष्ट्र रीजन में होता था, जहाँ से मैं, जहाँ का मैं लोकलाइट हूँ। कहाँ पड़ता है वो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। भावनगर, मेरा भावनगर है। तो भावनगर में मैं ये करता था इसीलिए क्योंकि वहाँ आपकी एक सोशल कनेक्टिविटी रहती है, लोग आपको जानने पहचानने वाले रहते हैं। बराबर। डेमोग्राफिकली भी आप जानते हो कौन सा गांव है, कौन सा तहसील है। तो पुलिस में आपकी क्या रैंक थी? क्या मैं कांस्टेबल था। कांस्टेबल। हाँ। तो एक आपकी फेसबुक पोस्ट देख रहे थे हम, जिसमें आप एक्सपोज कर रहे थे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस को रहना कैसे मिलता है, कैसे वो सब कैसे होता था। पुलिस में रहने के बावजूद भी आप थोड़ा रिबेलियन थे। रिबेलियन तो देखो, अगर हमारे अधिकार के लिए हम रिबेल नहीं करेंगे तो फिर तो क्या फ़ायदा है पढ़े लिखे होने का। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। फिर तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं हैं वो आज भी ठीक नहीं है। आज भी जो भी मतलब एक पुलिस स्टेशन को चलाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है वो आज भी नहीं है। मैं इसी पुलिस स्टेशन में जॉब करता था, जहाँ हम खड़े हैं। अच्छा। यहीं पे मैं जॉब करता था, के अंडर आता था, जुरिस्डिक्शन इसी था। हाँ, जुरिस्डिक्शन यही था, यहीं पे घूमता फिरता था। तब ये बन रहा था। अच्छा। ये तब बना नहीं था, ये बन रहा था। ये मैं बात कर रहा हूँ 13 की, 13 में ये बन रहा था। तब मेरी ड्यूटी यहाँ रखती थी, कभी पेट्रोलिंग में। यहीं पे मैं पुलिस का जो मेरा सारा जो एक्सपीरियंस है वो इसी जुरिस्डिक्शन में बना है। अच्छा। तो पुलिस में ये है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं, जैसे एक पुलिस स्टेशन का एक बिल्डिंग ठीक ठाक होना चाहिए, और पुलिस वाले जहाँ रहते हैं उसको, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी ऐसी है कि आप किसी ज़िले से उठ के किसी और ज़िले में ड्यूटी कर रहे हो तो एकोमोडेशन मिलना चाहिए, तो वो नहीं है। तो हमने आवाज़ उठाई कि ये ठीक नहीं है। अगर आप, सरकार आपसे काम लेती है और आप ढंग से काम लेना चाहते हैं तो ढंग से सुविधा भी देनी चाहिए आपको। तो हमने उस टाइम पर आवाज़ उठाई, और उसके उस आवाज़ उठाने के लिए मेरे ऊपर मुकदमे भी हुए पुलिस में रहते ही। तो किस परिस्थितियों में आपने पुलिस की नौकरी को छोड़ा था? क्या सिर्फ ये मन में था कि कुछ बड़ा करना है, या कुछ दबाव था कि यार इस सिस्टम में घुटन महसूस होती है, ये मेरे लिए नहीं है? देखो, दोनों साइमल्टेनियसली एक ही चीज़ हो गया आपने। घुटन तो नीचे के स्तर पर तो इतना अथॉरिटी भी नहीं होता है ना आदमी के पास, लेकिन मुझे ये तो लग रहा था कि मैं जितना लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है इतना। कांस्टेबल के पास तो क्या पावर रहेगा। तो मुझे लगा कि अगर आपको अच्छे से लोगों को बेहतर सेवा करनी है तो आपके पास चाहिए एक अथॉरिटी चाहिए, जिससे लोग आपकी बात को भी सुने और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी आपकी बात को सुने। तो जैसे पुलिस में मैं देखता था कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, या जो बिल्कुल बैकवर्ड क्लास है, या जो गरीब वर्ग है, वो जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो बड़ा दुख होता था कि क्यों नहीं सुना जा रहा है। कंप्लेन तो इनकी भी है, इनकी भी कंप्लेन है। अगर ये रसूखदार आदमी आ रहा है तो उसको सुना जा रहा है, बिठाया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है, और इसको तो बिठाया तो क्या सुना भी नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा था। अजीब इसलिए लग रहा था कि मैं उस आदमी में अपने आप को देखने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं गाँव में पैदा हुआ, गाँव में बड़ा हुआ। तो गांव में बड़े सीधे साधे से लोग होते हैं, जिसको हर सरकारी अफसर धमकाते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं गांव वाला क्या कर लेगा। तो कभी हमने भी उस चीज़ को सहा है, मतलब देखा है नज़रों के सामने। कि जैसे मैं मेरे टाइम पे मैं सरकारी भर्तियों में जाने के लिए कुछ कागजात बनवाने हैं, तहसील की ऑफिस से डोमिसाइल बनवाना है, इनकम प्रमाण पत्र बनवाना है, या इधर उधर का जो भी। तब हम जब जाते थे तब उनका जो नज़रिया था, लाइन में खड़े हो जाओ, इधर बैठ जाओ, आज नहीं होगा कल होगा, जाओ नहीं कर देंगे, जिसको बोलना है बोल दो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। आज फिर मैं कांस्टेबल बन के आ गया पुलिस स्टेशन में। आज किसी दूसरे के सामने अगर मैं ये बोलूँ जाओ नहीं करेंगे तुम्हारा काम, कल आ जाना, आज नहीं आना, तो वो सही नहीं लग रहा था, क्योंकि पास्ट में तो हमने भी ये देखा है कि ये सही नहीं है, लेकिन करना वही पड़ता था जो सही नहीं था। तो अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो लग रहा था कि भाई इसको कैसे बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे वो चीज़ दिमाग में घूम रही थी। और उसका एक जवाब भी था कि बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े आवाज़ के साथ आपको काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे से ये सेंटिमेंट स्ट्रांग हो गया, और किसी दिन फैसला भी आ गया। आपको पार्टी ज्वाइन किए कितना टाइम हुआ? मेरे 2 साल तो हो गए, 2 साल ख़त्म हो गए। 2 साल में इस मुकाम तक पहुँचना आसान बात नहीं है। आसान तो नहीं है कोई बात, इतनी उम्र में खास तौर पर। आसान नहीं है। क्या ऐसा देखा होगा आपके अंदर अरविंद जी ने? कुछ महसूस होता है कि मेरे अंदर ये खासियत है? नहीं, मेरे अंदर तो कोई खासियत नहीं है। देखो, मैं एक साधारण आदमी। एक्स्ट्रा हम्बल हो रहे हो? नहीं, हम्बल देखो, एक्स्ट्रा हम्बल होने की बात नहीं है, लेकिन नहीं है तो मैं क्या कहूँगा। मैं खुद की तारीफ, क्योंकि मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि मैं इस टाइप से खुद की तारीफ करने लगूँ। तो अभी जो है वही मैं बोलूँगा। सही बात। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब मैं पार्टी में शामिल हुआ तो मुझे आज मैं जितना समझ पाता हूँ राजनीतिक चीज़ों को, पार्टी के अंदर के सिस्टम को और पॉलिटिकल डिसीजंस को, नरेशन को, मुझे लगता है इतने बड़े स्केल पे जो हो रहा है, इतना लार्जर पिक्चर तो मैं इमेजिन भी नहीं करता था उस टाइम जब मैं जुड़ा। क्योंकि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अब मैं तारीफ़ करने के लिए बोल दूँ कि नहीं मैंने ये सोचा देश के लिए, वो करूँगा, ये करूँगा, फिर जुड़ गया, ऐसी बात नहीं है। तब मैं थोड़ा रो टाइप सा आदमी था, करना तो था कुछ, आइडिया कुछ नहीं था। राजनीति में तो मतलब किसी भी लेवल पे मैंने काम ही नहीं किया था। ये बात थी कि मैं भाषण अच्छा कर लेता था बहुत पहले से, जब से नौकरी छोड़ी है तब से लेके माइक पे मुझे स्टेज फियर कभी नहीं रहा, किसी भी सब्जेक्ट पे अच्छा बोल लेता था। ये लोग भी बोलते हैं और मैं खुद भी मानता हूँ मेरे बारे में कि मैं बोल लेता हूँ ठीक ठाक। तो स्टेज फियर नहीं था, बोल लेते थे, लेकिन बाकी चीज़ों का आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे मुझे मौका मिला, सबसे पहले मैं पार्टी में जब शामिल हुआ तब मुझे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और तब पार्टी बहुत छोटी हुआ करती थी, लोग तो थे ही थे लेकिन आज जितने इतने तो नहीं थे, संगठन उतना फैला हुआ नहीं था। तो वो जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर कि अब फ्रेश एनर्जी आई है पार्टी में, अच्छे बोलने वाले लोग आए तो कुछ करेंगे। तो ये जो जिम्मेदारी को फुलफ़िल करने के लिए बहुत मेहनत किया, तो उसमें दौड़ना भागना भी पड़ा, कुछ जेलना भी पड़ा, कुछ FIR भी हुई, कुछ लोगों ने मतलब क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो सारी चीज़ों को मिला करके जब काम करते गए किसी मौके पे अरविंद जी को लगा होगा कि भाई इनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो तो मौका देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए ही तो जानी जाती है पूरे देश में कि ये सबको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिला और करते करते फिर अब यहाँ पहुँचे। अब देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं हम। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, और पूरे देश को आम आदमी पार्टी की गुजरात की परफॉर्मेंस से बहुत उम्मीदें भी हैं और उस पर नज़र करेंगे इस बार ज़रूर करेंगे, बढ़िया करेंगे। अभी पुलिस की गाड़ी देख के मुझे पुलिस के से जुड़े कुछ और सवाल ध्यान में आ रहे हैं। पुलिस वाले अच्छे हैं लेकिन यहाँ के अच्छे लोग हैं सारे। अभी बहुत सारे मजा रिवर फ्रंट ईस्ट में इंटरव्यू करवू मळशे ना करी सके इंटरव्यू चाले छे वांधो नथी ने हां परमिशन लेवू पड़े ना पुलिस मळी जाए तो हां ये जो माधुपुरा में ये वक्त ईस्ट नो तो बन्यो ना आपड़ो जोडे जता बजा हां तो हम इधर आगे चलेगा ना चलेगा ठीक है। तो पूछना पड़ता है बीच बीच में क्योंकि अपने को कोई जर्नलिज्म की नॉलेज तो है नहीं जर्नलिज्म कर ही नहीं रहे ना हम तो बात कर ही नहीं रहे तो पर थोड़ा सा बाद में डांट पड़ सकती कभी भी कि अरे ऐसा नहीं करना था वैसा करना था। अभी देखा ना मेरी शर्ट मुड़ी थी तो सीधी करी उसने आगे। सही बात। तो अपने को ख्याल नहीं रहता। खैर तो हाँ, तो पुलिस में आपको क्या लगता है कि पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत सालों से चर्चा होती रही है, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात होती रही है, प्रिजन रिफॉर्म्स की बात होती रही है, पुलिस रिफॉर्म में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है जो होनी चाहिए क्योंकि आप पुलिस में रह के आए हो और बुलंद आवाज थे पुलिस के। पुलिस वाले प्यार करते हैं आपसे। अभी पुलिस वाले तो बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपना भाई समझते हैं मुझे। मैं डिपार्टमेंट से रहा हूँ तो पुलिस में ना जब कोई आदमी पुलिस का जॉब छोड़ के कहीं भी जाता है तो पुलिस वाले खुश होते हैं कि एक छूट गया छूट गया मतलब इस बंधन से छूट गया, इस बंधन से छूट गया, हम तो नहीं निकल पाए तुम निकल गए। ये जो नौकरी है ना अच्छा आमतौर पे बोझ जैसी लगती है सारे पुलिस वालों को, लेकिन ये है कि जैसे रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से 2006 में डायरेक्शंस दिए थे। किसी एक केस में किसी पूर्व DGP ने पिटिशन लगाई थी रिफॉर्म्स के बारे में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दिया और 10 निर्देश दिए रिफॉर्म्स को लेकर के। उसमें काफ़ी अच्छी बात कही गई थी कि हर पुलिस को एक प्रोटेक्टेड टेन्योर देना चाहिए ताकि वो जैसे पॉलिटिशियंस होते कल तेरे ट्रांसफ़र करवा दूंगा, इधर ट्रांसफ़र करवा दूंगा, उससे उसको एक साइकोलॉजिकल डर रहता है। ठीक बात है। तो वो बिना डर के बिना दबाव के प्रोटेक्टेड टेन्योर में काम कर सके, उसको पता है कि 2 साल तक कहीं भी ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है, तब जाके वो थोड़ा आराम से काम कर पाएगा। अदरवाइज वो लोकल नेता के दबाव में आके काम करेगा, अगर वो उसको नहीं मानेगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगी कहीं दूर दराज। तो ये बात इसमें थी। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, जैसे मैंने पुलिस, कोई भी पुलिस में लगता है तो ट्रेनिंग होता है उसका, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। अब ट्रेनिंग सेंटर्स में किसका पोस्टिंग होता है? जिसको पनिशमेंट मिलती है, जो पुलिस स्टेशन में तैनात है, जनरल ड्यूटी पे तैनात है, अच्छे खासे पोस्टिंग में, लेकिन कहीं पे कोई चीज़ हो गई और जिसको पनिशमेंट मिल रहा है उसको ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जा रहा है। अब आप समझिए कि जैसे एक रो आदमी आता है ट्रेनिंग लेने के लिए, उसके अंदर कुछ भावनाएं हैं, जज्बा है, कुछ करना है, अच्छा काम करना है, ऐसा ख्याल लेके वो ट्रेनिंग सेंटर में आता है। उसको ट्रेन कौन कर रहा है? जिसको पनिशमेंट मिला है। इससे क्या होता है कि आदमी अपने मन से, लगन से ट्रेन नहीं करता है, वो अपनी मजबूरी से ट्रेन करता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रहना है, उसको थाने में रहना है। थाने में क्यों रहना है? क्योंकि वहाँ सारा करप्शन भी होता है। बोल रहा हूँ तो क्यों माना जाता है कि ट्रेनिंग सेंटर एक पनिशमेंट पोस्टिंग है? ट्रेनिंग सेंटर में कुछ होता नहीं ना, मिलता नहीं है पब्लिक, कोई पब्लिकली कोई मसला है ना। हाँ, तो आदमी जब थाने पे तैनात रहता है तो काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स आती है, काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिसमें उल्टा सीधा हर कुछ होता है, और थोड़ा प्रिविलेज भी मिलता है। जब आप SHO होते हैं तो लोग आपको मानते हैं, लेकिन जैसे आपका ट्रांसफ़र ट्रेनिंग सेंटर में हो गया, फिर लोगों का तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये होता है कि जब आप अपनी मर्जी से ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे हो, आप पनिशमेंट में आए हो, तो आपके सर पे पनिशमेंट का बोझ है। आपको लग रहा है कैसे करके मैं भाग जाऊँ, थाने में पोस्टिंग करवा लूँ, इस नेता की सिफारिश लगाऊँ, उस नेता की लगाओ, इस अफसर की लगाओ। तो आपका ध्यान जो है ना, एक रो आदमी को अच्छा पुलिस वाला बनाने में नहीं होता। आपका ध्यान इस चीज़ में रहता है कि यहाँ से छूट के मैं कैसे वापस थाने में चला जाऊँ, या क्राइम ब्रांच में, या इधर उधर अच्छे पोस्टिंग में चला जाऊँ। तो जो ट्रेनिंग होती है वो ढंग से नहीं होती। तो रो आदमी आए, उसको कोई चीज़ मालूम नहीं है। जैसे मैं था, जब मैं जिस दिन पुलिस में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, मैं यहीं अहमदाबाद में हाजिर हुआ। पहले दिन इतना मतलब प्राउड हो रहा था, गूजबम्प हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ कर दिया जीवन में अच्छा सा काम, अब ये करेंगे वो करेंगे। जैसे ट्रेनिंग सेंटर में गए तो हर वो चीज़ सिखाई जा रही थी जिससे हम पब्लिक को डील कर सकें, ना कि उसको सर्व कर सकें। हमें क्या सिखाया जाना चाहिए था? सर्व करना, कि कैसे सर्व करना है, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, हाँ, कैसे समझना है, कैसे सुनना है, कैसे ट्रीट करना है। लेकिन क्या सिखाया गया? कैसे डील करना है, कैसे इसको हटा देना है, कैसे भगा देना है, कैसे उसको अनसुना करना है। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आ रहा है तो आ रहा है, मतलब आप तो ये एक्सेप्ट करते हो कि पुलिस की ट्रेनिंग में बहुत बड़ा एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, जिसमें पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह हम उनको ये बोलते हैं कि भाई जनता के आक्रोश को कैसे झेलना है, या उनको कैसे, मतलब मैं आपको समझा बुझा के घर भेजना है। शॉर्ट में शब्दों में बता दूं, कैसे आपको यूज्ड टू हो जाना है, ये सीखना, प्रेशर झेलने को आपको आदत हो जाए, यूज्ड टू कैसे हो जाना है। अच्छा। जो बनाया चलता आ रहा सिस्टम है, उसमें आपको यूज्ड टू कैसे बनना है, वो आप वहाँ सीख रहे हो। आपको क्या बनना था वहाँ जाके? आपको एक अच्छा सिपाही बनना था, दमदार सिपाही बनना था, जो डेडिकेटेड टू ड्यूटी हो, डेडिकेटेड टू ड्यूटी वाला एक सिपाही बनना था। आपको क्या बनाया जा रहा है? यूज टू आदमी बनाया जा रहा है, कि आप 9 महीने ऐसी ट्रेनिंग करो कि आप पहले से यूज टू हो जाओ, थाने में जाने से पहले यूज टू हो जाओ। तो ये एक पक्ष हुआ इस बात का। हाँ। और क्या ट्रेनिंग में मिसिंग लगता था आपको? ये तो ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से मैंने जो बताया कि ऐसा आदमी आना चाहिए जो अंदर से विलिंग हो, मैं ट्रेन करूँगा, अच्छे खासे विचार दूंगा इसको, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जैसे पुलिस स्टेशन में जो एक हायरार्कियल सिस्टम है, वो बड़ा सा मतलब ऑटोक्रेटिक सिस्टम टाइप का समझ लीजिए, कि जो ऊपर आदमी बैठा है वो, उसको लगता है वो बहुत पावरफुल है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है ना कि एक ऑर्डर तो मेंटेन होता है, लेकिन एक भावनाएं नहीं बनती है। जब संगठन के अंदर आपस में जुड़ने की भावना नहीं होती तो संगठन ठीक से काम नहीं करता। आदमी प्यार से जब काम करता है और दबाव में काम करता है, उससे आउटपुट में फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात, वो मोटिवेटेड नहीं है। तो आज का पूरा जो पुलिस सिस्टम है वो मोटिवेटेड नहीं है, सारे एक दूसरे के दबाव में काम कर रहा है। सुपरिंटेंडेंट के दबाव में डेप्यूटी काम कर रहा है, डेप्यूटी के दबाव में ACP काम कर रहा है, ACP के दबाव में इंस्पेक्टर काम कर रहा है, इंस्पेक्टर ने दबाव में हवालदार काम कर रहा है, हवालदार के दबाव में काम कर रहा है। तो एक संगठन के अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी है, ये होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपके साथ है ना, पॉसिबल है, कैसे नहीं है। जैसे मान साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव पंजाब में लिया। हाँ। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही कहा कि हर पुलिस वाले का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा पुलिस थाने के अंदर। बहुत बड़ी बात है, खूबसूरत बात है इनफैक्ट। हाँ, जैसे मैं एक कांस्टेबल हूँ तो मैं SHO के सामने मतलब जाने में भी डरता हूँ। सिस्टम तो यही बना हुआ है कि आप ऐसे चाहो, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं आपके चैम्बर में आने से पहले 10 बार सोच रहा हूँ मैं आऊँ ना आऊँ। अगर मैंने सर मैं आऊँ बोल दिया और बोला चल भाग यहाँ से कल आना, फिर मैं इतना डरता हूँ कि क्या होगा, मेरी छुट्टी होगी नहीं होगी। मैं छुट्टी का कागज़ लेके घंटों तक ऐसे चौके चैम्बर के बाहर खड़ा रहता हूँ। जस्टिस अनजस्टिस की सही गलत की तो बात ही नहीं होगी। हाँ, आप अपने मन की बात नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे की बात क्या करोगे? हाँ, तो मान साहब ने कहा कि भाई उसका जो तुरंत ऊपर वाला जो अफसर होगा, जैसे मैं कांस्टेबल हूँ, मेरे ऊपर तुरंत जो रहेगा वो मिलके सारे मिलके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इससे भावना बनती है, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं कांस्टेबल हूँ, जैसे आज मेरा बर्थडे है, एसएचओ ने खुद केक मंगवाया, पुलिस स्टेशन पे केक लगवाया और सारों को इकट्ठा कर लिया और बोला कि आज गोपाल का बर्थडे है, सेलिब्रेट करेंगे, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मेरा खुद का स्टाफ, कलीग मेरे, सही बात, मिल के सारे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें, अच्छा लगता है। अरे यार, हमारे यहाँ डिप्टी सीएम अपने यहाँ मतलब कोई भी स्टाफ हो, चाहे वो क्लरिकल जॉब में हो या फेलो हो, फेलोशिप्स भी निकलती है ना, जहाँ से आउटसाइडर्स कंसल्टेंट के रूप में या बहुत सारी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं, उन सब तक के बर्थडे डिप्टी के ऑफिस में होते हैं। जैसे मोटिवेटेड स्टाफ को मोटिवेटेड रखने के लिए एक और तरीका है, किसी भी पुलिस कर्मचारी की एनिवर्सरी है तो उसको एक छुट्टी दिया जाए 2 दिन का सरकार की ओर से कि जा भाई तू अपने परिवार के साथ 2 दिन घूम ले और तेरा सैलरी भी रहेगा। ये गुजरात में सरकार आ गई तो सब करना पड़ेगा आपको जो आप कह रहे हो। ये तो जरूरी है, करना पड़ेगा क्या मतलब, ये जरूरी है। आदमी अगर 24 घंटे में से 12 घंटे पुलिस की ड्यूटी में रहते हुए जनता को अपना टाइम दे रहा है तो साल में एक बार अगर 2 दिन वो अपने फैमिली के साथ। मैं तो एग्री हूं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, मैं खुद भी एग्री हूं, करेंगे इसी काम को, करने के लिए तो आए हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। अगर ये काम नहीं करना है तो फिर तो जो सरकार चल रही वही ठीक है, वही सही है, ठीक है, हमें यही तो करना है। हमें 2 काम करना है, एक तो कि क्या इनोवेटिव हो सकता है, क्या कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्या प्रोडक्टिव हो सकता है, वो सोचना है, पूरी दुनिया से खोज के लाना है, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा उस रास्ते को, उस तरीके को सोचना है, समझना है और पावर में आते ही उसको लागू करना है। हमें यही तो काम करना है राजनीति। सही बात है। तो पुलिस की ट्रेनिंग की क्योंकि हम बात कर रहे थे, वहाँ मेरे जहन में एक और चीज़ आई थी, क्योंकि हम भी दिल्ली में काम करते हैं, कुछ एक्ट्स पे हम भी काम करते हैं, जेजे एक्ट पे काम करते हैं, पॉक्सो पे काम करते हैं, NDPS पे काम करते हैं, तो अभी तक मुझे लगातार और हर हफ्ते कहीं ना कहीं एक आध फ़ोन आ जाता है अलग अलग थानों से, क्राइम ब्रांच से, ख़ासतौर से बहुत ही बेसिक जानकारी जुटाने के लिए NDPS के लिए, कि मान लीजिए मुझे बिप्रीनॉर्फिन मिली है जी, अब ये NDPS में आएगी कि नहीं आएगी, या मॉर्फिन मिली है ये NDPS में आएगी कि नहीं आएगी। समझने का मकसद मेरा ये है आपसे, क्योंकि आपने पुलिस में रहे हो, कि क्या वहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं क्या वो भी इस मामले में, उनकी तो पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है ना, दे हैव चॉजन टू डू दैट जॉब, तो वो क्या वो भी ट्रेनिंग नहीं मिलती क्या कि कानून के बेसिक्स भी पुलिस को दूसरों से पूछने पड़ते हैं? देखो, कानून की बेसिक ट्रेनिंग तो मिलती है, वहाँ पे पढ़ाई होती है। ट्रेनिंग सेंटर में सुबह आपका फिज़िकल ट्रेनिंग होता है पूरे 9 महीने तक, और शाम को 3-4 घंटे तक कानून की पढ़ाई होती है, और फिर इवनिंग के जो 2 घंटे उसमें ये मनोरंजन होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मान लीजिए आप उस ट्रेनिंग से आप मान लीजिए क्राइम ब्रांच में शिफ्ट हुए, या आप मान लीजिए नारकोटिक सेल है वहाँ आप शिफ्ट हुए, तो क्या कानून की तब कोई ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी? वो ब्रिज ट्रेनिंग कोई होगी? नहीं, तब जो पहले ट्रेनिंग होगी वो खत्म। वो इसमें क्या होता है कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर में कानून की किताब पढ़ाई जाती है कि कौन सा कानून बना है, क्या सेक्शन है, क्या प्रोविज़न है, बस। लेकिन जब किसी कानून की किसी सेक्शन को जब आप वास्तव में इन्वॉक करना चाहते हैं तब आपको कितने कागज़ बनाने हैं, उसमें क्या लिखना है, वो तो प्रैक्टिकल है। क्योंकि जैसे इंडियन पिनल कोड है, 500 से ज़्यादा धारा है, हर धारा को लागू करने के लिए अलग कागज़ बनता है। अब 9 महीने में आप एक ही कानून की अगर 500 धाराओं को क्रियान्वित करने के लिए अब सीखोगे तो फिर तो कोई लगेगा नहीं। CRPC में इतनी, एविडेंस एक्ट में इतनी है, NDPS में है, गैम्बलिंग एक्ट में इतने, हर एक्ट की हर धारा को आप कैसे लागू करेंगे? सही बात। तो वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको एक बेसिक सा आइडिया लेना है कि क्या कानून है, कैसे बना है, कानून का क्या प्रावधान है, इन्वोक कैसे करते हैं कानून को, और कानून किस तरीके से आगे बढ़ता है, और कानून का प्रोसेस कैसा है, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR टू चार्जशीट, फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ द कोर्ट मैटर टू द जजमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है उसका एक लार्जर पिक्चर आपको समझने में मिलता है। बाकी तो प्रैक्टिकल है सर। आपके पास वो विलिंग आदमी भी तो चाहिए कि जिसको ये सीखना है, थोड़ा वो माइंडसेट भी। सारा ऐसा नहीं है सिस्टम खराब है, कभी इधर की बात नहीं, दोनों बात है कि जैसे 100 आदमी रिक्रूट हुए, 100 में से ऐसे कितने लोग हो गए जो ये चाहते हैं कि मुझे कानून को अच्छी तरीके से पढ़ना है, मुझे जनता को सर्व करना है। हाँ, बहुत कम है। सब तो ये चाहते हैं कि जैसे ड्यूटी लगेगी अच्छा पोस्टिंग मिल जाएगा, फिर शुरू से ही चालू हो जाएंगे। तो सारे पोस्टिंग के चक्कर में रहते हैं, ट्रेनिंग खत्म होने से पहले सिफारिशों का फ़ोन लगाते रहते हैं कि अच्छे थाने में अच्छी ब्रांच में पोस्टिंग हो जाएगा। अच्छी ब्रांच का मतलब क्या? नहीं, अच्छी ब्रांच का मतलब होता है कि जहाँ प्रिविलेज ज़्यादा हो, हर किसी रुबाब ज़्यादा हो, रुबाब ज़्यादा हो, प्रिविलेज हो। प्रिविलेज का मतलब सब है, तो वो उसको अच्छा मानते हैं। जहाँ प्रिविलेज नहीं है तो फिर तो ये तो एक एज अ यूथ लीडर ऑल्सो, मतलब भले आप पॉलिटिक्स आपने चूज़ की, तो कहीं ना कहीं ये तो युवा का एक जो माइंड फ्रेम है युवा का, कि वो देश को सर्विस करने वाले लोग कितने इंटरेस्टेड हो रहे हैं सर्विस को ज्वाइन करने में, और कितने ऐसे लोग हो रहे हैं ज्वाइन जिनको प्रिविलेज चाहिए या जिनको पैसा कमाना है। ये तो अनुपात में भी गड़बड़ी हुई ना कहीं गड़बड़ी तो है हर जगह पे। ठीक है, इसकी हमें समझ होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है, सुधरते सुधरते चीज़ें सुधरेंगी। देखो धीरे धीरे से सब बदलेगा, धीरे धीरे से लोगों की समझ बढ़ेगी तो सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। हे भगवान, बदल सकती है, लेकिन बदल सकती है, क्यों नहीं बदलेगा। आज तक तो दुनिया बदलती ही आई है, अगर नहीं बदलती होती तो हम हड़प्पा और लोथल सिविलाइजेशन के टाइम में ही जीते होते, तो काफ़ी बदला हुआ है, तो बदलेगा आगे। इन लोगों से खौफ नहीं लगता आपको? आपको ऐसा नहीं लगता कि औकात से ज़्यादा बड़े लोगों से पंगा ले लिया? तो वो तो औकात से ज़्यादा ही बड़े हैं, जो आप बोल रहे मैं मान रहा हूँ। हाँ। और इनसे किस बात का डर, क्या किस चीज़ से डरेंगे? अगर हमने कोई गलत काम जीवन में किया नहीं तो क्यों डरना है? डरता कौन है? नहीं, आपको मालूम है गुजरात के गृह मंत्री से लेकर संजीव भट्ट तक अलग अलग ऐसे वाकया हुए हैं जिसमें हमें पता है इतिहास गवाह रहा है, 2002 से लेकर और आज तक क्या क्या कहा करा है इस सरकार ने। तो एक जहन में कहीं ना कहीं कुछ खौफ तो रहता होगा कि यार बहुत खतरनाक लोग हैं। खतरनाक तो है, इसीलिए तो लड़ना है। अच्छे लोग होते तो हम क्यों लड़ते? खौफ नहीं है, क्यों खौफ लग गया? किस बात का? कितनी एफआईआर हुई अभी तक आपके पास? मेरे ऊपर तो हो गई होगी बहुत ज़्यादा, नंबर तो याद होगा, डबल फिगर में। खतरनाक लोग तो ये है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लड़ने की तो रीज़न ही यही है। लड़ना तो इसीलिए है कि ये इतने बदमाश लोग हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लड़ाई यही है कि इस टाइप के लोगों को देश में सत्ता पे नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को हटाने के लिए चाहे जो मर्जी कर ले, करना पड़े तो वो काम कर रहे। और डर कहाँ से आता है आदमी को? डर बाहर से नहीं आता है, डर अंदर से आता है। कोई भी डर का साइकोलॉजी है, अंदर से आदमी डरता है पहले, फिर बाहर का डर उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो डर कब लगेगा? जब आपने कुछ गलत किया है और उस गलत काम की फ्लैशबैक आपके दिमाग में बार बार आ रही है कि हाँ ये गलत है, ये गलत कर दिया, कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कोई कुछ कर लेगा, तब वो डर आपको अंदर से इतना बड़ा बन जाता है, फिर बाहर का डर आपको दबा देता है। तो हमने पूरे ज़िंदगी में आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, जानते हुए भी नहीं किया, अनजाने में भी नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर डर क्या? कर दे वो 2 एफआईआर और जेल में डाल दे, ठीक है। काफ़ी समर्थन जुटा लिया आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, कैसा जा रहा कैंपेन? अच्छा जा रहा। लोग अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, पसंद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बोले कि यही वो आदमी है जो बोलता है वो करता है। तो दिल्ली में, पंजाब में जो काम किए गए हैं, दिल्ली में खास करके बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और जो पंजाब में अभी बिजली दिया गया, तो ये सारा लोग ये समझते हैं कि भाई ये जो बोलते हैं वो करते हैं, तो लोग प्यार करते हैं। बोले ऐसा सच्चा आदमी होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। और एक बड़ा क्लास ये भी है कि अरविंद जी की वो जो डाउन टू अर्थ प्रोफाइल है, सादगी वाला जीवन, उसको पसंद करते हैं कि ये सही आदमी है, कपड़ों पे या ताम जाम पे खर्चा नहीं कर रहा है, वो बोले देश की जनता के लिए काम कर रहा है। तो लोग इस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते, पसंद करते, और इसी के आधार पर आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत हो रही है। गुजरात में कितना किलोमीटर घूम चुके हो आप? मैं बताऊँ, मेरी गाड़ी 1 साल पुरानी है और 1 साल में 95,000 किलोमीटर। क्या बात कर लो? हाँ, अभी काफ़ी है। तो 1 साल पुरानी गाड़ी 95,000 चले, बस इतना घुमाए। अभी यहाँ खड़ी है, ऊपर ही खड़ी पार्किंग में। बराबर है। तो गुजरात में ऐसा कोई एरिया जो अभी आपका जाना, जहाँ पे प्रचार करना बाकी है? वैसे तो ऐसा कोई एरिया है नहीं, हर जगह गए। ये हो सकता है कि कंपेरेटिवली कहीं पे मैं ज़्यादा गया हूँ, कहीं पे कम गया हूँ, ये हो सकता है। अदरवाइज तो सारी जगह कवर। संगठन सब जगह बन चुका है, सब जगह संगठन। तालुका पे भी है, वार्ड में भी है, शहरों में भी है, मोहल्ले में है। कहीं ज़्यादा संख्या है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा एक्टिव है, कहीं कम एक्टिव है, ये सब अलग अलग है। अदरवाइज है तो सब जगह। तो गुजरात की हर विधानसभा में, हर वार्ड पे, हर बूथ पे हमारा आदमी, हर बूथ पे आदमी है। बहुत बढ़िया। लोग प्यार से सामने से आके आते हैं, बोलते काम करना है आम आदमी पार्टी के लिए। तो अरविंद जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए प्यार ज़्यादा है या भाजपा के अगेंस्ट में गुस्सा ज़्यादा है? दोनों है, दोनों है। जब गुस्सा नहीं होगा तब तो कोई भी अच्छा आदमी आ जाएगा। गुस्सा, एक के प्रति गुस्सा होता है तब दूसरे के प्रति अपने आप थोड़ा प्यार भी बन जाता है। फिर जिसके प्रति प्यार बनता है वो आदमी अगर अच्छा है तो प्यार बढ़ जाता है। सही बात। तो इस इंसिडेंट में यही हुआ है। गुस्सा तो है ही है, लेकिन इस गुस्से को कहाँ जाके निकाले बाहर, तो एक ऑप्शन मिला आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। और जैसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को देखते तो पार्टी भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, तो प्यार और बढ़ जाता है। तो दोनों है। हार्दिक पटेल क्यों गए भाजपा में? अब बीजेपी में जाने का तो देखो, पूरे देश की अगर पॉलिटिकल सिनारियो देखे तो बीजेपी में जाने के मोटे मोटे मुझे 2-3 रीज़न लग रहे हैं। एक तो आदमी पैसा लेके जाता है, एक आदमी डर के मारे जाता है, ईडी से, पुलिस से, कोर्ट से, सीबीआई से डरता है तो बीजेपी में जाता है। एक आदमी मोटा पैसा लेता है तब बीजेपी में जाता है। एक आदमी को जब बड़ा कमिटमेंट मिलता है पावरफुल पोजीशन का संगठन में या सरकार में तब जाता है। तो मोटा मोटा 3 चीज़ है बीजेपी में जाने का। और तो कोई अभी तक तो दिखने में नहीं आया कि किसी ने मतलब अच्छा खासा सरकारी नौकरी छोड़ करके बिल्कुल अच्छा काम करने के लिए बीजेपी में, ऐसा तो कोई मुझे तो उदाहरण नहीं दिख रहा है। पाटीदार आंदोलन हुआ बहुत बड़ा, आप पाटीदार समाज से आते हो, क्या शक्ल दी उसने गुजरात को, गुजरात की राजनीति को? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। देखो, किसी भी आंदोलन का अंत जो है, उस अंत के विषय में बहस हो सकती है कि ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये होना था, वो होना था। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इस आंदोलन से क्या मिला, मुझे लग रहा है कि एक बड़े स्केल पे राजनीति के बारे में सोचने की जो एक परंपरा थी उसमें बदलाव आया। आज गुजरात के हर समाज में युवाओं को सोचने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। पहले एक टिपिकल राजनीति चलती थी, हर समाज में जो एस्टेब्लिश लोग हुआ करते थे समाज के, वही डिफ़ॉल्ट रूप से नेता हुआ करते थे। हर समाज का यही दिक्कत था कि उस जाति का जो पैसे वाला आदमी है या जो दबंग आदमी है, उसी जाति से वो डिफ़ॉल्ट रूप से पार्टी को रिप्रेजेंट करता था या पॉलिटिकल रिप्रेजेंट करता था अपने समाज को। मतलब कि जो लीडरशिप का बनने का जो प्रोसेस था वो नहीं था, कहीं पे लीडरशिप बनने का प्रोसेस नहीं था। तो समाज एक तरीके से देखिए स्थिर था, मतलब स्टेबल था, इसमें से कोई नया आदमी उभर के बाहर नहीं आ रहा था। जो है वो चलते जाते थे और उसके मर जाने के बाद उसके बेटे बेटियां, उसके बहू दामाद लग जाते थे। तो ये सिनारियो काफ़ी साल तक चला। लेकिन जैसे पाटीदार आंदोलन हुआ, हार्दिक पटेल उस समय 22 साल के हुआ करते थे और उसके इर्द गिर्द रहने वाले हम जैसे सारे जो युवा थे, वही उसी उम्र के थे, 30 आसपास के, 25, 30, 28 के थे। तो पाटीदार आंदोलन के बाद से पूरे प्रदेश में एक चीज़ हुआ कि सारे जो यूथ हैं उनके अंदर एक लीडरशिप की जो अंदर क्वालिटी जो थी वो कहीं ना कहीं बाहर आने लगी, धीरे धीरे बाहर आने लगी। कोई सोशल मीडिया में बोलने लगा तो लोग उसको सुनने लगे, कोई जाके अपने समाज के फंक्शन में बोलने लगा, लोग उसको सुनने लगे, कोई किस तरीके से, कोई इस तरीके से एक्टिव हो गए काफ़ी सारे। इतने यूथ अभी तो बहुत से टीवी में आने लगे हैं, सोशल मीडिया में भी वेल नोन हो गए, काफ़ी सारे ऐसे यूथ हैं जो खुल करके बाहर आ गए। तो एक तरीके से हम ये समझे कि इस पूरे आंदोलन से लीडरशिप मेकिंग का एक प्लेटफॉर्म बना या एक साइकोलॉजी बना है, जिसमें अब मुझे मान लीजिए, आंदोलन नहीं होता तो मैं कहाँ होता, नौकरी कर रहा होता। तो इस देश में लीडरशिप को बनाने का कोई सिस्टम आज की तारीख में नहीं था, ना समाज के अंदर था, ना राजनीति के अंदर था, ना स्कूल में है कहीं। लीडर कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम तो आंदोलन से ये बना आंदोलन से काफ़ी सारे लोग, जिग्नेश क्या है आंदोलन से बने हैं, मैं क्या हूँ आंदोलन से बना हूँ, और भी काफ़ी छोटे मोटे लोग हैं जो आंदोलन से बने हैं। तो पाटीदार आंदोलन से गुजरात को ये फ़ायदा हुआ, किसी भी आंदोलन से फ़ायदा हुआ कि नई लीडरशिप उभर के सामने आती है, जिसके पास अच्छी नई सोच होती है, नया विज़न होता है, कुछ करने का जुनून होता है, और फिज़िकली यंग होते हैं तो फिर उसका थोड़ा मोबिलिटी ज़्यादा होती है। आदमी जब थोड़ी उम्र हो जाती है तो फिर वो ज़्यादा हिलडुल नहीं पाता है, तो ये अच्छा हुआ। आपको लगता है कि गुजरात के वोटर ने मन बना लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना है, लेकिन उस वोटर को बूथ तक पहुंचाना और जब तक बैलेट तक नहीं पहुंचता, जब तक मशीन तक नहीं पहुंचता, जब तक बटन नहीं दबा देता, तब तक कोई ऐसा मसला नहीं आएगा कि भाजपा खौफ से साम दाम दंड भेद करके सत्ता कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सके। वो तो राजनीति है, वो तो करेंगे ही करेंगे। हम ऐसा कैसे मान ले कि वो कुछ नहीं करेंगे। तो हमारी कोई स्ट्रेटेजी है उससे लड़ने की? हमारी तो एक ही स्ट्रेटेजी है कि लोगों के घर घर तक जाएंगे, आदमी एक एक आदमी को, एक एक इंसान को मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है वो गारंटी कार्ड उनको देंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई ये आइडिया ऑफ इंडिया है हमारा, कि हम बिजली देना चाहते हैं, हम शिक्षा देना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य देना चाहते हैं, इस बार हमें मौका दीजिए। इससे और तो क्या करना है, कोई प्रपंच तो करना नहीं है, कोई मैनिपुलेट नहीं करना है, कोई खौफ नहीं करना है। सीधा सा आपके पास मुझे आना है, आपको बोलना है कि भाई एक मौका दीजिए, मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ, फिर आपके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का कोई खौफ काम नहीं करेगा, क्योंकि इस बार अरविंद जी एक अच्छा विज़न लेके गुजरात में है। आम आदमी पार्टी का जो सोच है उसको लोग पसंद करते, बोलते कि यही होना चाहिए देश में, तो सही से चल रहा है सब। अच्छा चल रहा है गेम, अच्छा चल रहा है। कहते हैं गुजरात में डेवलपमेंट बहुत हुआ है, ब्रिजेस बने हुए हैं, इधर जाओ उधर जाओ, पुल हैं, सड़कें हैं। फिर आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट का इशू लेकर यदि लोगों में जाएगी तो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप स्कूल की बात तो करते हो, आप एजुकेशन की बात करते हो, आप हेल्थ की बात करते हो, लेकिन ब्रिजेस की बात नहीं करते हो। क्या आपको लगता है कि ब्रिजेस बहुत हैं, सड़कें पूरी ठीक हैं गुजरात की, खासतौर से शहरों और गाँव में, दोनों में? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं हम शहरों की तरफ ताकते हैं, गाँव की बात नहीं होती। महात्मा गांधी जी ने जो भारत को लेकर के जो सोच रखी थी वो विलेज सेंट्रिक सोच थी। गांधी बापू ऐसा मानते थे कि जब हमारा गांव सक्षम होगा, गांव समृद्ध होगा, तभी भारत सक्षम और समृद्ध होगा। तो गांधी जी का आइडिया ऑफ इंडिया जो था वो गांव था, और इसी गांव को सक्षम करने के लिए, इस गांव को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नई तालीम नाम की एक शिक्षा व्यवस्था को कायम किया। उन्होंने रेसिडेंट स्कूल्स खोले, जिसमें श्रम को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था को बनाया, जिसमें श्रम को टॉप प्रायोरिटी दिया गया हो। तो मेरा ये मानना है कि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि शहरों में तो होती नहीं है, ब्रिज के नीचे तो आप लगाओगे नहीं अपने पेड़ पौधे, गाँव में ही होता है सारा। तो मतलब एक तरीके से तब से लेके आज तक देखें तो भारत एक गांव का बना हुआ देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमें डेवलपमेंट की बात करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे गांव जो है वो कितने सक्षम और समृद्ध बने। अगर गांव के हालात आज तक नहीं बदले, फिर चाहे कितने भी ब्रिज बना लो, क्या फ़ायदा है। गाँव का एक किसान जो है, अगर उसको उसकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है तो फिर क्या डेवलपमेंट है। गांव का लड़का है कि उसको पढ़ने का सही मौका नहीं मिला। जैसे मेरी बात कर लो ना, मेरे तहसील में मैं जब पढ़ता था, आज भी नहीं है, तब की बात छोड़ दीजिए, मैं जब मेरी पढ़ाई 2006 में मैं 12वीं में था, इंटर में, तो तब कॉलेज नहीं हुआ करता था। पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था तब, आज भी वही हालत है। अब गाँव में लोगों के पास पढ़ने के पैसे नहीं होते, खाने पीने के भी मुश्किल से जुटाते हैं, तो पढ़ने के, और ऐसे लड़कियों को पढ़ने के पैसे तो अभी जो थोड़ा टैबू टाइप है, तो लड़कियों को तो पढ़ाते नहीं। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे ब्रिज बन गया, बड़ा विकास हो गया, लेकिन गांव में एक हमारी बहन है, उसको पढ़ने के लिए ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना उसके माँ बाप के पास पैसे है। फिर इस विकास का आप क्या करोगे जब आपके देश की एक बच्ची बिना पढ़े रह जाएगी, और आप ये कहते दुनिया को फिरोगे कि हमने एक बढ़िया सा ब्रिज बना दिया। तो इस बात में रिलेवेंस कहाँ है। तो डेवलपमेंट ये होता है कि समाज का ऑल ओवर अपग्रेडेशन हो, समाज, पूरा समाज आगे बढ़े। ना कि डेमोग्राफिकली कोई एरिया आगे बढ़ जाए, ना कि समाज के हर तबके में से कोई एक तबका बड़ा ऊपर चला जाए। अभी शहरों में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे तो लग रहा है डेवलपमेंट हो गया, तो गांव का क्या होगा? सेमी टाउन जो उसका क्या होगा? और मिड टाउन है जो सेमी टाउन भी नहीं है, जो गांव भी नहीं, इस टाइप के जो, इसका क्या होगा? वहाँ पे ब्रिज छोड़िए, स्कूल भी नहीं है ढंग का। तो डेवलपमेंट के डेफिनेशन को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था कैसी है? आप पुलिस में भी रहे हो, खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर क्या माहौल है? देखिए, कागज़ की बात करें अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखें तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब आप किसी थाने में जाइएगा शिकायत लिखवाने के लिए तो आपकी शिकायत नहीं लिखी जाएगी। आपको बोला जाएगा कल आओ, परसों आओ, इधर आओ, उधर आओ, देख लेंगे, सोच लेंगे, कर लेंगे। तो फिर तो वो आंकड़ा एनसीआरबी में जाना ही नहीं है। समझ रहे आप? अगर मेरी एफआईआर ही नहीं लिखी जाएगी फिर एनसीआरबी के डाटा जो है उसमें वो कैसे होगा? वहाँ पे तो कम नंबर दिखाए जाएंगे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले, जब रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। ऐसे ही आपको कहा जाएगा, बोला जाएगा ऊपर ऊपर से, तो फिर तो क्या फ़ायदा है? तो कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है बीजेपी के लोगों का, बहुत है। हर अब तो माहौल ये है कि बीजेपी के लोग आए दिन पुलिस स्टेशन में जाके थानेदार को मारते हैं, एसएचओ को मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। पिछले दिनों में अभी हमने ये देखा कि एसएचओ के चैम्बर में बीजेपी के महिला मोर्चा की किसी पदाधिकारी की बर्थडे थी, तो बीजेपी की महिला मोर्चा पदाधिकारी ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, इस थाने में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो एसएचओ के चैम्बर में बीजेपी का पटका डाल के 10 महिलाएं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, पुलिस स्टेशन में पार्टी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। अब ये माहौल है। अब पुलिस तो करना चाहती है, पुलिस तो चाहती है कि अच्छा काम करे, क्रिमिनल्स को पकड़े, सारों को कंट्रोल में रखे, सारे जो इस टाइप के लोग हैं उसको, और समाज में एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बनाने। लेकिन पुलिस के काम में बीजेपी के लोग ही इतने अड़चन डाल रहे हैं। पिछले दिनों में बड़ौदा में देखा कि एक आदमी को पुलिस ने पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाए गए, तो बीजेपी के जो काउंसिलर है वहाँ के नगर निगम का, वो थाने में जाके हंगामा किया बड़ा, पुलिस का पकड़ लिया, शर्ट पकड़ लिया, बोले साले तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी 2 दिन पहले इस अहमदाबाद में बीजेपी के, आज उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, 2 दिन पहले अहमदाबाद के एक काउंसिलर ने जाके वो अस्पताल में हंगामा कर दिया और ज़बरदस्ती एक महिला अधिकारी का मुंह पकड़ के उसमें ज़बरदस्ती पानी डाल दिया। 2 दिन पहले की अहमदाबाद की बात है, आज एफआईआर हुई। महिला अधिकारी का मुँह पकड़ लिया बीजेपी के काउंसिलर ने और ज़बरदस्ती पानी डाल दिया, बदमाशी। मतलब कानून व्यवस्था जो है इसको एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ओवरटेक कर लिया है बीजेपी के लोग। गुंडागर्दी, बिल्कुल गुंडागर्दी। हर जगह जाओ आप, पुलिस को मारते पीटते, गालियाँ देते, तेरा ये कर दूंगा, ट्रांसफ़र करवा दूंगा, ओपनली बोल रहे, ओपनली कर रहे सारा। तो गुंडागर्दी तो आप तक भी पहुँचेगी, मनोज भाई को पीछे चोट लगी, आप तो पहुँचेगी ना। तो हम तो देखो आए ही यहाँ पे संघर्ष करने के लिए, तैयार हैं आप? तैयार थे तभी तो आए है क्या, हम तो थे तभी तो पार्टी से शामिल हुए, जुड़ रहे, काम कर रहे। बिना लड़े भी तो हम देखो संघर्ष तो तब भी रहता है। तो आम आदमी पार्टी जो दावा करती है राजनीति बदलने का, राजनीति सिर्फ पावर में आने के बाद नहीं बदली जाती, राजनीति संगठन के लेवल पे भी बहुत सारा काम होता है, राजनीतिक गतिविधियां बहुत सारी होती हैं। आप ईमानदारी से बताओ, भूलो कि आप कैमरे में हो, मुझसे बात कर रहे हो, ईमानदारी से कि आम आदमी पार्टी में क्या आपको लगता है राजनीति डिफरेंट है? राजनीति को अरविंद जी ने जब ये पार्टी बनाई तब ये कहा गया था कि राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। तो तब तो सिर्फ एक वाकया था, लोगों को कैसे यकीन होता कि वाकई में बदलाव होगा नहीं होगा। या तो एक होप थी, एक उम्मीद थी कि हाँ ठीक है चलो कोशिश करते बदलने की, अरविंद जी को एक भरोसा था, उनको पता था कि उनको क्या करना है। लेकिन आज 10 साल के बाद अगर हम बैठ के देखते तो बदलाव तो दिखता है। जैसे पहले के पॉलिटिकल सिनारियों में अगर हम देखें तो किसी भी पार्टी के राजनेता कोई अच्छी चीज़ देखने के लिए विदेश जाया करते थे, बोले कि अमेरिका गए ये देखने के लिए, स्विट्ज़रलैंड गए ये देखने के लिए, वो देखने के लिए, देख के घूम के फिर के वापस भी आ जाते थे, करते कुछ नहीं थे। लेकिन अब राजनीति बदल गई है, अब देश के किसी भी कोने से राजनेता उठ करके दिल्ली के स्कूल देखने जाता है। मतलब अब आप अच्छी चीज़ देखने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता है, आपको अपने ही देश में मिल रही है देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। तो ये एक तरीके का बदलाव ही है। आप अगर दिल्ली के किसी भी स्टेट के सीएम साहब अगर दिल्ली के स्कूल देखने जाते हैं तो ये बदलाव है। दूसरी बात कि पहले ये हुआ करता था कि किसी दो पार्टी के नेता तब ही एक प्लेटफॉर्म पे साथ दिखते थे जब दोनों का राजनीतिक गठबंधन होता था चुनाव से पहले, तब भी दोनों एक साथ एक फ्रेम में दिखेंगे। क्या बढ़िया बात बताइए। अदरवाइज कभी आप दो नेता को साथ में नहीं देखेंगे। राजनीति में ये बदलाव आया है कि स्टालिन साहब जो है वो केजरीवाल जी के साथ दिख रहे हैं, ये तेलंगाना के सीएम साहब केसीआर साहब जो है वो केजरीवाल जी के साथ दिख रहे हैं, केजरीवाल जी जो है वो किसी और स्टेट के शिक्षा मंत्री के साथ दिख रहे हैं, किसी और स्टेट के शिक्षा मंत्री मनीष जी के साथ दिख रहे हैं। किस मुद्दे पे दिख रहे हैं? स्कूल के मुद्दे पे दिख रहे हैं, राजनीति के मुद्दे पे नहीं दिख रहे कि चलो इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया, चुनाव साथ में लड़ रहे, दोनों साथ में मिल के स्टेटमेंट करते हैं, ये नहीं है। अब ये है कि महाराष्ट्र का शिक्षा मंत्री दिल्ली जा कर के मनीष जी के साथ बैठ के शिक्षा की बात करता है। इससे बड़ा, इससे क्रांतिकारी बदलाव क्या हो सकता है? बिना गठबंधन के, बिना राजनीति के दो नेता अगर मिल रहे तो मुझे लगता है कि ये देश में बहुत बड़ा बदलाव है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ा बदलाव है, जिसमें एक ये है कि सरकार जब बनती है तब सब लोग किस मुद्दे पे सरकार बनाते हैं वो किसी को पता नहीं होता है। चुनाव के ठीक पहले इधर उधर के सेंटिमेंटल मुद्दे आ जाते हैं, लोग भावनाओं में बह जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है, फिर लोग लग जाते हैं वही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और नेता जो है 5 साल तक सेंटिमेंट पे सरकार चलाते हैं। अब उस चीज़ में बदलाव है। अब लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे वोट करेंगे, स्वास्थ्य के नाम पे वोट करेंगे, हमने जो टैक्स दिया है उस टैक्स का हम पूरा सुविधाएँ लेंगे। ये बदलाव है। देश में इतने साल चले गए, कभी जन सुविधाओं के नाम पर सरकार बनाई नहीं गई। ये बात अलग है कि हर सरकार ने कुछ ना कुछ तो काम किया है, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है, छोटा मोटा हर सरकार ने किया है, लेकिन प्रायोरिटी बेस पे नहीं हुआ है। कोई भी काम हुआ है वो तो एक डिफ़ॉल्ट या टिपिकल वे में हुआ है, वो तो चाहे राष्ट्रपति शासन होता तब भी होना था, फिर सरकार बनाने का क्या फ़ायदा। लेकिन प्रायोरिटी बेस पर अगर अस्पताल बन रहा है, प्रायोरिटी बेस पर अगर स्कूल बन रहा है, बिजली दी जा रही है, और उसी मुद्दे पे बार बार जनता के पास से वोट मांगे जा रहे, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक बदलाव है, ये अच्छी चीज़ है। और यही सपना अरविंद जी का तब होगा, और इस सपने पे 8-10 साल बाद जनता भी भरोसा कर रही है कि नहीं, हो सकता है, अरविंद जी ने करके दिखाया। संगठन के रूप में, संगठन जब काम करता है तो तमाम कार्यकर्ता होते हैं, लोग होते हैं जिनसे आप रोज़ बात करते हैं, उसमें क्या बदलाव है, उसमें क्या डिफरेंट है बाकी पार्टियों में और आम आदमी पार्टी में? देखो, बाकी पार्टियों में तो मेरा काम करने का अनुभव नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर मीडिया से, बातों से, सोशल मीडिया से जानते हैं तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन बाकी पार्टियों में और इस पार्टियों में बेसिक या जो फ़र्क अगर हम देखें तो वो है अपॉर्चुनिटी का। बाकी पार्टियों में जल्दी से मौका नहीं मिलता किसी को भी, बहुत देर लगती है, बहुत साल पार्टी में रहना पड़ता है, 20 साल 30 साल तक पार्टी में काम करो तब जाके पार्टी के एक अच्छे पद पे या अच्छे टिकट पे मौका मिलता है। इस पार्टी में आपको, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, काम करने की भावनाएं हैं, अगर आप जनूनी आदमी हो कि देश के लिए कुछ करना है, तो आपको जल्दी से मौका मिलता है। ये बाकियों में इसमें फ़र्क है। जिससे बाकी पार्टी में क्या होता है कि आदमी 40-50 साल का भी हो जाए युवा मोर्चा में रहता है। जैसे राहुल गांधी जी हमारे युवा हैं, अगर वो गांव में, अगर वो किसान में, खेत में काम कर रहे होते तो आज वो मतलब बुज़ुर्ग हो चुके होते, इतनी उम्र तो है, लेकिन अभी भी वो युवा हैं। हम तो बाकी पार्टियों में ये है कि 30-35 साल का जो आदमी है वो युवा मोर्चा में काम कर रहा है। मतलब बाकी पार्टी इन जनरल ये मान रही कि जब तक आप 50 साल के नहीं होते तब तक आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लायक नहीं है, वो इनका मानना होगा। हमारे यहाँ अलग ये है कि मैं तो सिर्फ 33 साल का आदमी हूँ, मेन स्ट्रीम छोड़िए, मैं पार्टी का स्टेट का चीफ हूँ, बनाया मुझे अरविंद जी ने। तो हमारी पार्टी ये मानती है कि आदमी की उम्र से उसका वो तय नहीं होगा कि मेन स्ट्रीम काम करेगा नहीं करेगा। आदमी की कैपेसिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, पॉलिटिकल विलिंगनेस क्या है, उससे तय होगा कि वो यूथ में रहेगा या मेन में रहेगा। बाकी को उम्र के हिसाब से हो रहा है, चाहे कितना पोटेंशियल है। आप यूथ में रहोगे 35, 38, 40 साल तक आप युवा मोर्चा के महामंत्री बन के घूम रहे हो, क्या फ़ायदा है? पूरी जवानी अगर आपको युवा मोर्चे में ही निकालनी है, फिर बदल गई राजनीति। तो दूसरी पार्टियों में इसमें ये अलग है। पिछली बार जब मैं आपसे सूरत में मिला था तो भाभी साथ थी। हाँ। जब आप कितना टाइम बिता पाते हो परिवार के साथ, क्या बातचीत होती है, कैसा रहता है घर पे बिताया गया समय? घर पे तो समझ लीजिए समय ही जाता ही नहीं है। घर पे मैं जा ही नहीं पाता, उस समय नहीं रहता। अभी मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टी में और चुनाव का अभी दौर चल रहा है, तो इतना वक्त नहीं मिलता है कि घर पे जाओ बैठ के कुछ अच्छी बातें कर लूँ। तो ज़्यादा बात नहीं होती अभी तो, और वो भी बड़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे हर चीज़ में। बोली कि ठीक है, आप अगर समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो मैं भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँगी। तो वो थोड़ा नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रही है। तो वो भी स्ट्रगल कर रही है मेरे साथ साथ, मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो अकेली अकेली घर पे स्ट्रगल कर रही है। बोले नई नई शादी हुई है, 2 साल ही हुए हमारे तो सबका मन होता है कि साथ में घूमना फिरना, बातें करना, मूवी देखना। अब लास्ट कब गए थे किसी मूवी पे? लास्ट तो गए ही नहीं है, कभी नहीं गए, कभी नहीं। 2 साल में कोई मूवी नहीं दिखाई? नहीं देखा 2 साल में। क्या इससे पहले 2 साल कोरोना का हुआ, उसमें भी नहीं देखा, तब तो बंद था सब। फिर शादी हो गई, शादी मेरा क्या हुआ ना, कोरोना के टाइम पे तो सारा बंद था। कोरोना में जैसे 2020 में शादी हुई, मेरी 20 में शादी हुई, तो जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा सा खुलने लगा, उसी दौरान मेरी शादी हो गई। शादी जैसे ही शादी हुई उसी दिनों में, शादी से लगभग 10 दिन पहले मेरे ख्याल से मैं पार्टी में शामिल हुआ। जैसे शादी हुई इधर पार्टी का काम स्टार्ट हुआ और तब से लेकर आज तक फिर पार्टी के काम में लगा हूँ। तो इस 2 साल में अगर मैं कहूँ तो अगर सारे दिन को जोड़ के देखोगे, मैं 6 महीना घर पे नहीं रहा हूँ। मैं 2 साल में ऐसा टाइम नहीं आया, जाता हूँ कभी कभार, मिलते हैं, बात करते हैं ऐसा। धन्य हो भाभी, आपका कैमरे में देख के बोलते हैं। आप भी धन्यवाद करो भाभी का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो शादी भी तब की जब 10 दिन पहले उनको मतलब एक तरह से मालूम पड़ चुका था कि 10 दिन पहले आपने ज्वाइन कर ली थी। 10 दिन बाद ज्वाइन करी होती तो मानते कि थोड़ा इसमें गलत फहमी में शादी कर। नहीं, गलत फहमी नहीं, तो उनको पता था मैं पॉलिटिकली नेचर का पता था। मैंने कहा था कि भाई हम तो पब्लिक लाइफ में जीना चाहते हैं, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी रहेगा। अच्छा, मैं ये बताना चाहता जिससे मेरे को एक बात आ गई। ये शो का नाम है कि भाई अनफिल्टर्ड, अनकहीं अनफिल्टर्ड, अनकहीं अनफिल्टर्ड। हमारे बाद अनफिल्टर्ड और भी आ गया, इसलिए अनकहीं अनफिल्टर्ड पूरा बोलना पड़ेगा। अनकहीं तो ठीक है, अनकहीं तो हो सकती है, लेकिन अनफिल्टर तो अब कुछ नहीं होता है, सारा फिल्टर्ड ही होता है। क्योंकि पब्लिक लाइफ में जब आप होते हैं तो काफ़ी चीज़ें अपने आप में फिल्टर्ड हो जाती है। अच्छा, आप पब्लिकली जाके कभी भी मूवी नहीं देख सकते, तो फिल्टर हो गया वो, लाइफ का वो हिस्सा ही फिल्टर हो गया। फिर आप मुझे कितना भी पूछ लोगे, मैं क्या बताऊँगा। तो ये अनफिल्टर जो है ना, वो वास्तव में फिल्टर्ड है। लाइफ फिल्टर, लाइफ जीरो। आप पब्लिक लाइफ में हो, लोग आपका नाम को, आवाज़ को, चेहरे को जानते हैं। आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटी होता है ना, वो या तो वो सेंसर्ड हो जाती है। सही बात। मतलब आप कहीं भी कभी भी घूमते नहीं हो, कहीं रेस्टोरेंट में जाके खा नहीं सकते हो, कहीं भी कैसे भी खड़े होकर के बोल नहीं सकते, आपको कभी गाने का मन हो गया गा नहीं सकते। तो काफ़ी चीज वो तो गुनगुना लेते हैं, लेकिन मतलब मैं ये कहता हूँ कि अनफिल्टर्ड नहीं है, मतलब आदमी फिल्टर हो गया। हर चीज़ को सोचना पड़ता है करने से पहले। आदमी फिल्टर्ड आदमी है। अब फिल्टर्ड आदमी बोलेगा तो बात अपने आप से फिल्टर्ड हो गई है। सही बात है। तो ये तो आपका गांव ओरिजिनली भावनगर से ही रहा है? मेरा गांव भावनगर से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। टिम्बी नाम है, छोटा सा गांव है बिल्कुल। वहीं पर मैं पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, और वहीं से मेरी सारी जो समझ है वो वहीं से आई है मुझे। लेकिन गांव का होने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इतना बताओ कि युवा बहुत देखते हैं हमारे शो को, 33 साल में स्टेट लेवल पे डील करने की मैच्योरिटी, साथ साथ अरविंद जी के साथ काम करना, वो एक अलग लेवल की मैच्योरिटी, तो सजगता, मतलब उसमें तो बहुत सारा कैपेसिटी चाहिए। अरविंद जी के साथ बैठना कोई छोटी बात नहीं, छोटी बात नहीं है। हाँ। तो यदि वो पूरी मैच्योरिटी आप में आई है, यदि आप उस यात्रा के बीच में भी हैं मान लेते हैं, तो कौन कौन से जीवन के ऐसे अंश रहे हैं आपको जो आप श्रेय दोगे जिनको, जिसने वो मैच्योरिटी देखो पहले तो मैं मैच्योर नहीं हूँ, कोशिश रहती है मेरी कि मैच्योर बन जाऊँ, लेकिन मैं बन नहीं पाता हूँ। तो थोड़ा अंदर से हंसी आ जाती है कि यार मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। हर वक्त मैं थोड़ा ऐसा लाइट मूड में रहता हूँ, लोग समझते हैं ये बच्चा है। तो थोड़ा मुझे भी लगता है कभी कभी मैच्योर बनना पड़ेगा, लेकिन कैसे बने, क्या तरीका है कि जैसे लोगों को, जैसे आप सीरियस मुँह करके बैठ जाओ तब लगेगा मैच्योर है। एकदम काम की बात कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत मैच्योर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो आप पार्टी के लिए। इतने बड़े, इतने क्रूशल स्टेट का प्रेसिडेंट 33 साल का है। हो सकता है कि नरेंद्र भाई और शाह साहब बैठ के सोचते हैं अरे 33 साल का लड़का मैं मेरा बताऊँ। आपने बोला मैच्योरिटी कहाँ से आती है। अरविंद जी के साथ में जैसे गुरुद्वारा होता है, मैं दिखता हूँ अरविंद जी जैसे देश के सबसे जाने माने लोकप्रिय नेता के साथ में बैठना, वो तो पब्लिक में जो दिख रहा है उसके साथ काम करना, उनके विचारों को आगे बढ़ाना, पार्टी को आगे बढ़ाना, मतलब बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। तो मैच्योरिटी कहाँ से आती है? मैच्योरिटी आती है आदमी की खुद के स्ट्रगल से। ये कहीं वीडियो देखने से, मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आती है, या कोई किताब इसी अच्छी अच्छी पढ़ लो, किसी का जीवन संघर्ष देख लो, इससे मोटा मोटा आइडिया आता है। लेकिन आपके अंदर का कैरेक्टर जो बनता है वो तो खुद के स्ट्रगल से ही बनेगा। तो मेरा जो पूरा जो जीवन रहा है वो स्ट्रगल से पूरा भरा हुआ रहा है। वैसे कहीं मैंने सुना था कि किसी एक आदमी को पूछा गया कि आप, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, हाँ बात ये थी, किसी ने कहा कि भाई मैं पहले बहुत गरीब था, फिर मैंने ये किया, फिर वो किया। तो सामने वाले ने कहा भाई ये देश ही गरीबों का है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से आप पहले गरीब ही हो गए, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप गरीब थे। तो मेरा भी यही हाल है। मैं अलग से ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष किया, देश ही संघर्ष का है, यहाँ हर आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। हालात ऐसे हैं, सामाजिक संरचना ऐसी है, सरकारें ऐसी है, राजनीति ऐसी है कि हर आदमी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो राजभवन में पैदा नहीं हो रहा है उसको तो स्ट्रगल तो मैंने भी किया है। लेकिन इसमें क्या है कि गाँव में जब आप रहते हो तो आपका स्ट्रगल शहर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पढ़ने के लिए स्ट्रगल करना है, समाज के अंदर आपको एडजस्ट होने में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर आपको अगर कोई धंधा रोजगार चाहिए या खुद का करना है तब स्ट्रगल करना पड़ता है। इन सारे संघर्षों से 30 साल लगे मुझे, मेरे पिताजी नहीं हैं, और इसमें भी बीजेपी वालों ने बहुत कीचड़ उछाला मेरे ऊपर। आगे भी उछालेंगे, जब मेरा नॉमिनेशन होगा चुनाव में तब लेके आएंगे, क्योंकि 30 साल पहले जब मैं छोटा हुआ करता था तब मेरी माँ और पिताजी का डाइवोर्स हो गया है। इतने साल हो गए, अब 30 साल हो गए। उस टाइम पे जो भी रहा होगा अब वो तो पब्लिक मैटर है नहीं। 30 साल मतलब अलग हुए 30 साल हो गए, सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली है। 30 साल कोई छोटा टाइम नहीं है। तो आज जो मेरे फादर जो है, जिससे 30 साल से सारा मतलब कनेक्शन ही नहीं रहा है, वो जिस ज़िंदगी जो जी रहे, वो जो काम कर रहे, उसको लेकर के मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये अपने बाप का ध्यान नहीं रखता है और आ गया राजनीति करने में। भाई आप देख लीजिए, अब जब डाइवोर्स हो गया है और वो फैसला लेने वाला मैं तो था नहीं, डाइवोर्स होगा नहीं होगा वो तो मेरे नाना जी थे, फादर साहब हो गए, मदर होगी और बुज़ुर्ग लोग हो गए, सब ने मिल करके जो भी ठीक लगा होगा वो किया होगा, इसमें मेरा क्या दोष है। आज अगर मैं राजनीति में आया हूँ, आज अगर मैं थोड़ा बहुत सक्सेस हो रहा हूँ, तब आप मुझे रोकने के लिए आप उस चीज़ को लाओगे जो 30 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। तो ये तो गलत गंदी बात है। तो काफ़ी टाइम वो मेरे फादर और मदर के संबंध को लेकर के बीजेपी वाले बहुत गंदी गंदी चीज़ें फेसबुक पे लिखते डालते। लेकिन मैं अगर आज, आपने बोला मैच्योरिटी कहाँ से आती है, मेरे फादर ने छोड़ दिया हमको, डाइवोर्स हो गया, बात ख़त्म। अब हम कहाँ रहे, कैसे रहे, किस हाल में बड़े हुए, कैसे, वो जो स्ट्रगल है ना पूरे लाइफ कि आपके पास कोई नहीं है, ना पैसा है, ना ज़मीन है, ना मकान है, ना कोई देखभाल करने वाला है, ना आपका कोई सपोर्टर है, उस टाइम में आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, अपने आप ही ग्रो होना है, चाहे मन से हो चाहे कैसे भी हो, आप जो भी करना अपने आप से करना है, कोई नहीं है आपका। तो मैं वो पूरी ज़िंदगी जीते जीते यहाँ पहुँचा हूँ। कितने भाई हो आप लोग? मेरा एक छोटा भाई है, मेरे से 2 बड़ी बहनें हैं, टोटल 4 भाई बहन हैं, सारे साथ में रहे, अकेले ही सारे बड़े हुए, जो भी किया अकेले किया, इसमें किसी का कोई प्रकार का सहयोग नहीं रहा। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से परवरिश किया, वो बेचारी गांव की है और अकेले अकेले उसने भी अपना सारा जीवन बिताया। तो ये जो स्ट्रगल है ना अकेले बड़े होने का, उससे सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। कोई एक इंसिडेंट जो आप बताना चाहो अपने बचपन के स्ट्रगल का? बचपन में देखो, अब स्ट्रगल तो इतना सारा स्ट्रगल है, मुझे लगता है अगर आज की तारीख में, पहले ना ये होता था कि कोई आदमी के स्ट्रगल जो होता ना उसको बताना भी एक अच्छी बात हुआ करती थी, उसको सुनना समझना भी एक मोटिवेशन टाइप हुआ करता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने अपने स्ट्रगल की फेक स्टोरी या दुनिया को बताने का चालू कर दिया ना, फिर अंदर से हंसी आती है, यार क्या मैं बताऊँ, लोग समझेंगे कि ये भी मोदी के टाइप कर रहा है। नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं वो नहीं लगता है अंदर से, हाँ, दुख होता है। अगर मैं मेरा जेन्युइन स्ट्रगल बताना भी चाहता हूँ तो मुझे दुख लगता है कई लोग मेरे ऊपर हंस ना दें, क्योंकि वो बोलते हैं मैंने ये किया वो किया, किया कुछ नहीं है ना, आज किया ना तब किया है, बताते ऐसे फिरते जैसे पूरा देश का स्ट्रगल इस एक ही आदमी ने कर लिया। तो थोड़ा दुख लगता है, ऐसा लगता है कैसे बताया अपना। चलो कोई नहीं, कोई भी एक इंसिडेंट बता दो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आज तक याद रह गई हो बचपन की। वैसे तो सच में बताऊँ तो स्ट्रगल करते गए आगे बढ़ते गए, याद रखा होता तो सर पे बोझ होता, और बोझ को लेकर के मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे भी हालात जो दिन आते गए उसको झेलते गए, जीते गए, आगे बढ़ते गए, कल का भूल गए आज का जी लिया, फिर कल का जी लिया आज का भूल गए, ऐसे करते करते आगे बढ़ गए। ये मैं अच्छी अच्छी बात करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। अगर मैं उस चीज़ को बोझ रखता सर पे कि मेरे फादर ने ये कर दिया, हाय मैं अकेले बड़ा होना पड़ा, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे कितने काम में लगना पड़ा पढ़ाई छोड़ करके। मैं आपको बताऊँ, मैं 2006 में 12वीं क्लियर किया मैंने, फिर 2016 में मैं ग्रेजुएट हुआ। 10 साल लगे मुझे ग्रेजुएट करने में, क्योंकि पढ़ने का पैसा नहीं था आगे। तो 12वीं ख़त्म करके मैं काम पे लग गया, पहले किसानी में लग गया, खेत में मजदूरी में सपोर्टिंग रोल में, खुद का तो था नहीं, किसी के में किसान खेत में जाके काम किया करते थे। फिर कभी लगा कि ये काम से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते, फिर मैं आ गया डायमंड इंडस्ट्रीज़ में जो गुजरात में बहुत है, फिर उसमें लगा कि नहीं होगा, फिर इधर उधर घूमते कितने काम किए, फिर जाके पुलिस की नौकरी में आया, तब थोड़ा पैसा हाथ में आया, सरकारी तनख्वाह आ गई, फिर उस पैसे से मैंने पढ़ना चालू किया 2013 में, और 16 में मैं ग्रेजुएट हुआ, यानी कि 10 साल लग गए। तो अगर मैं किसी चीज़ का बोझ लेके घूमता फिरता कि यार मैं पढ़ नहीं पाया, अरे यार मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ दिया, अरे यार कोई मुझे रोज़गार के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर मैं उस बोझ के तले दब के मर जाता, गुमनाम सी ज़िंदगी जी लेता। तो ऐसी कोई चीज़ याद नहीं रखी है, बस एक ही चीज़ याद रखिए कि आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुख आता है तो आएगा, चला जाएगा, आगे बढ़ते रहिए। पार्टी के अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको दुख लगता है, जैसे काफ़ी चीज़ें होती है ना, कोई आदमी बेवजह आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है पार्टी के अंदर से, बोलता है कि इसने ख़राब काम किया। अब हम तो कानून में एक शब्द है डिस्क्रेशन, जिसको गुजराती में बोलते हैं शुद्ध बुद्धि। तो जब आप एक पोजीशन पे रहते हो ना, तब आप डिस्क्रेशन से फैसले लेते हैं, बायस नहीं होते, मैं भी नहीं हूँ। अब डिस्क्रेशन से लिया हुआ जो फैसला है, सामने वालों को लगता है कि इसने थोड़ा बायस होकर लिया है, फिर वो कुछ बोलता है, कुछ लिखता है, कुछ प्रोटेस्ट करता है, तो दुख लगता है कि नहीं यार हमने ऐसा गलत नहीं किया, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। लेकिन किसी भी दुख को याद नहीं रखना है, याद सिर्फ रखना है कि हम क्या विज़न लेकर चल रहे हैं, क्या करना है जीवन में। तो आपने शुरुआत में मुझे पूछा कि भाई आप पुलिस में रहते हुए कैसे ऐसे लगा कि राजनीति में आ जाओगे। अब ये दो बात रिलेट हो रही है। मैं जैसे जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा, जिसमें मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, कुछ भी ज़मीन बचपन से लेकर आज तक नहीं, ना खुद का मकान है, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, कहीं नहीं है पूरे देश में। जैसे इस स्ट्रगल से गुजरते गुजरते मैं एक दिन पुलिस वाला बन गया, इसे बड़े शहर में मेरी नौकरी लग गई, एक सरकारी कोठी मिल गई, अच्छे दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो गया। फिर धीरे धीरे से ये सोच दिमाग में आने लगी कि यार मेरा तो जीवन बन गया, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ, चाहे मेरी माँ को इतना कष्ट सहना पड़ा, चाहे मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, चाहे मेरे बाप ने ये कर दिया, लेकिन मैं कुछ बन गया, मैं सक्सेस हुआ, अब लाइफ में मेरा लाइफ सेटल हो गया। लेकिन हर बच्चे को ऐसा मौका नहीं मिलता है, जिसका बाप नहीं है, या जिसका बाप कमाता नहीं है, या जिसका बाप शराब जुआ खेलते रहता है पूरे दिन, बच्चों में ध्यान नहीं रखता है, हर उस लड़के को तो ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो मुझे धीरे धीरे से ये लगा कि अगर मेरे अंदर ईश्वर ने कुछ ताकत रखी है, मेरे शब्दों में कुछ ताकत रखी है, मेरे अंदर अगर कोई चीज़ है, तो मुझे उस चीज़ का इस्तेमाल उन सारे बच्चों के लिए करना है, सारों को मौका दिलवाना है। अब मुझे मिल गया, मैं बन गया, अब मैंने अच्छा बोलना सीख लिया, लड़ना सीख लिया, बातें करना सीख लिया, मैं किसी के साथ बैठ के बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ, मैं सब सीख गया। लेकिन आज भी गांव में हजारों ऐसे बच्चे जिसको ये मौका नहीं मिला। हमने सोचा कि मेरा मौका क्या मौका है, जब सबको मिलेगा तब कुछ बनता है। तो तब से माइंड में धीरे धीरे ये चीज़ आने लगी कि बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सबको मौका मिले, ऐसा काम करेंगे। और ईश्वर ने चाहा ये हो गया। आज मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं मेरे लेवल से पार्टी के संगठन में नीचे के स्तर पे जितने भी युवा जुड़े, जो फ्रेशर्स है, रो टाइप के जो लड़के, सारों को मोटिवेट करता रहता हूँ, उनको आइडियाज़ देता रहता हूँ। पॉलिटिकली उनकी मैच्योरिटी जैसे जैसे कैसे बढ़े, इस टाइप की उनसे बातें करता रहता हूँ। सबको एक मौका देने की कोशिश में मैं रहता हूँ। तो ये है। बहुत बढ़िया गोपाल भाई, हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके अपने व्यक्तिगत स्ट्रगल की सम्मान करते हुए भी, और आपके जो आगे का सफ़र है और आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है, हम सब लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, जिसमें आप महती भूमिका निभा रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एज अ दोस्त ऑल्सो एज अ साहब। मुझे लगता है सारी टीम ने बहुत एंजॉय किया होगा। नहीं, सही है। ये बात भी अच्छी है। देखो, राजनीति में हम तो यही देखते आए कि नेता के सामने जब भी सवाल रखा जाएगा, माइक रखा जाए, राजनीतिक बात ही होती रहती है। ऑफ कोर्स। आम आदमी पार्टी में ये नया है कि आप नेता के हर पहलू को दिखाओ। वो सामाजिक रूप से कैसा है, पारिवारिक रूप से कैसा है, सोच में कैसा है, स्ट्रगल कैसा है। आज तक के राजनीति के इतिहास में कभी ये पूछा ही नहीं गया। पूछा ये गया, इस पार्टी ने ये बोल दिया, उस पार्टी ने ये बोल दिया, इस नेता ने ये स्टेटमेंट दे दिया, आपका मतलब सारा दिन यही चक्कर रहता है राजनीति का। आप नेता की क्वालिटी अगर जानने, किसी भी लीडर की क्वालिटी, तो आप उसको राजनीति से हट के बात कीजिए। वो उसको किस चीज़ में शौक़ है, किस चीज़ का हैबिट है, किस चीज़ में वो खेल में क्या इंटरेस्ट रखता है, वो संगीत में क्या इंटरेस्ट रखता है। इससे पता चलता है कि आदमी कितना डाइवर्स है। अदरवाइज आपने ये स्टेटमेंट दे दिया, मैंने उसके सामने ये दे दिया, वो दे दिया, वो तो चलता रहता है। इसमें क्या नया, इसमें कौन सा नया आइडिया चाहिए? आपके स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे काफ़ी विचार और कंटेंट चाहिए। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि आप पॉलिटिक्स के हट के बात करें। लोगों को जानने मिलेगा कि जिनको वो लीडर मानने जा रहे हैं वो कैसा है, तब पता चलता है कि इनको सपोर्ट करे ना करे। और लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रक पिछले 15 मिनट से हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म होने की वेट कर रहा है। अच्छे लोग हैं सारे, इंतजार कर रहे हैं कि कब आम आदमी पार्टी की सरकार है। इंतजार में खड़ी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, चाहे उनको 15 मिनट रुकना पड़े, लेकिन सरकार अच्छी बननी चाहिए। वो इसी इंतजार में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।